हाय फ्रेंड्स, हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में, एक और नए लर्निंग के साथ में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं टॉम टूल्स के, जो हम लास्ट वीडियो बनाया था उसी को हम कंटिन्यू करेंगे, उसी टॉपिक को टॉम टूल के ऊपर। इसमें हम घर घर का रनआउट का ऊपर जो टूल्स है, IDM इंडक्टिव डिस्टेंस मेजरमेंट टूल्स और उसके और उसका अपना रोलर शाफ्ट बेंडिंग है उसका, दोनों को हम देखेंगे। तो फर्स्ट है हमारा IDM इंडक्टिव डिस्टेंस मेजरमेंट टूल। इसका क्या है कि IDM टूल किट इज ए मल्टीपर्पज मेजरिंग टूल। इसमें मल्टीपर्पज मेजरिंग टूल्स है। टिपिकली इट इज यूज टू चेक द कंडीशन ऑफ रोटेशन रोटेटिंग पार्ट ड्यूरिंग ऑपरेशन, एग्जाम्पल रोटरी किलन्स और ड्रायर्स और बाल मिल्स के, उसमें चेक करने के लिए, रन आउट चेक करने के लिए। इट इज मेजर वेरिएशन ऑफ डिस्टेंस ऑफ मूविंग मेटल सरफेस। ये एक मेटल सरफेस का वेरिएशंस को मेजर करता है। कॉन्टैक्ट विथ हाई एक्यूरेसी एंड हाई स्पीड, विदाउट कॉन्टैक्ट में ये हाई एक्यूरेसी और हाई स्पीड में ये मेजर करता है। इट कैन बी कंसिडर्ड एज ए कॉन्टैक्टलेस डायल गेज। एक डायल गेज के रूप में काम करता है। हम क्या रन आउट मेजरमेंट करने के लिए क्या है, जैसे गर्द गियर है ये, तो उसका ये 9 और 3 की पोजीशन में डायल इंडिकेटर रख के, डायल गेज रख के हम मेजरमेंट करके दोनों को प्लस करके डिवाइड बाय 2 करके उसका रीडिंग निकालते हैं। वो क्या है कि उसको हम स्टॉप कंडीशन में ही कर सकते हैं, रनिंग कंडीशन में नहीं कर सकते हैं। बट ये वाला जो टूल्स है इसको हम रनिंग में, मैग्नेट है ये देखो, ये है रेडियल के लिए, ये एक्सेल के लिए लगा दिया, ये ऑटोमेटिक रीडिंग लेके हमको दे देगा। एक्सेल और रेडियल रीडिंग कितना होना चाहिए उसके लिए एक चार्ट होता है। आप आपके पास अगर वो चार्ट है तो ठीक है, नहीं है तो मैं डिस्क्रिप्शन में मेरा मेल आईडी दूंगा, आप उस पर आप मेल करिए, मैं आपको भेज दूंगा वो उसको, तो उससे आपको पता लग जाएगा कि क्या है। और ये इसका मेजरमेंट टूल आता है, पूरा सेटअप बॉक्स आता है इसमें। हम देखो द मेजर्ड वैल्यू आर नॉट अफेक्टेड बाई ऑयल ग्रीस और डस्ट। इसमें क्या है, जो हम मेजर करेंगे तो उससे डस्ट और ऑयल और ग्रीस कुछ भी रहेगा, जैसे कि यहाँ देखेंगे तो ये ग्रीस लगा हुआ है, गर्द गियर में स्प्रे के लिए ग्रीस रहेगा तो उससे भी कोई इफेक्ट नहीं होता है। कंटिन्यूस एज वेल एज इंटरप्टेड सरफेस कैन बी मेजर्ड। ये कंटिन्यूस और कुछ डैमेज सरफेस को भी वो मेजर कर सकता है। किलन, गर्द गियर, इंडक्टिव सेंसर्स लगे हैं, ये देखिए ये लगा हुआ है, ये है आपका एक्सेल के लिए लगा, ये रेडियल के लिए लगा हुआ है। तो ये मैग्नेट है तो उसमें चिपक के आराम से ये आपको रीडिंग दे देगा। ये आपको टूल्स में, इसमें जो इसकी विंडो आएगी, आप कभी भी मेजरमेंट लोगे तो इस टाइप की विंडो आएगी। इसमें आपको ये जो रेडियल का चार्ट है, ये एक्सेल का चार्ट है, इसमें दिखेगा इसमें सेंट्रिसिटी कितना है और राउंडनेस डेविएशन कितना है, वो पूरा इसमें ये है रेडियल के लिए है, ये एक्सेल के लिए वॉबलिंग कितना आ रहा है और तो स्ट्रेटनेस डेविएशन कितना है, वो भी इसमें दिखाया गया है। ये क्या होता है इसके ऊपर हम देखेंगे। ये मेजर्ड वैल्यू है, मेजर्ड वैल्यू कितना होना चाहिए वो भी हमको ध्यान में होना चाहिए। हमारा जो गर्द गियर है उसका एक्सेल और रेडियल कितना होना चाहिए, एक नया लगा रहे हैं गर्द गियर तो कितनी वैल्यू होनी चाहिए, उसका क्या फॉर्मूला है, आप कमेंट करिए, कमेंट करके बताइए अगर आपको मालूम है तो, नहीं मालूम है तब भी कमेंट करिए, मैं आपको कमेंट में आपको रिप्लाई में बताऊँगा। और हमको कितना पे उसको गर्द गियर को रीअलाइनमेंट करना चाहिए, कितना रेडियल और एक्सेल रनआउट पे हमको उसको रिवर्सल करना चाहिए, रीअलाइनमेंट भी कर सकते हैं हम उसको, रिवर्सल भी कर सकते हैं, रिप्लेस भी कर सकते हैं। ये डिफरेंट डिफरेंट ट्रिक्स है जो, जैसे कि सब में अलग अलग टाइप से कॉस्ट सेविंग है और कुछ नहीं है, क्योंकि रीअलाइनमेंट किया तो उसी है उसी को अलाइनमेंट करके वापस चला दिया, रिवर्सल किया मतलब उसका जो रिवर्सल के भी कुछ रीजंस होते हैं, जो हमारा ये ऐसे गर्द गियर रहेगा तो उसमें जो कॉन्टेक्ट सरफेस उसमें पिटिंग आ जाएगी, पिटिंग आ जाएगी तो उसकी वजह से उसको अभी ये रिवर्स करेंगे तो ये वाला सरफेस कॉन्टेक्ट में आ जाएगा, तो क्या ये वाला फ्रेश सरफेस आ जाएगा कॉन्टेक्ट में, तो उस केस में हम उसका लाइफ को बढ़ाने के लिए वो सब करते हैं और रन आउट में भी हम देखते हैं। और दूसरा क्या है, ये एरिया वियर आउट हो जाता है तो उसकी वजह से एडेंडम डिडेंडम जो आपका रूट गैप और बैकलेस वो सब में वैल्यू ज़्यादा हो जाती है, तो उसके लिए हम
चेंज कर उसको करते हैं, जो हमारा रूट गेप कितना होना चाहिए, 30% ऑफ मॉड्यूल, 30% ऑफ मॉड्यूल, जो आपका गर्द गियर का मॉड्यूल होता है उसका 30% आपका रूट गेप होना चाहिए। रूट गेप कैसे, ये एक और टीथ रहेगा तो इसमें जो ये मैचिंग टीथ आएगा, ये मैचिंग टीथ आएगा तो ये वाला जो गैप होगा उसको रूट गैप बोलते हैं, वो 30% ऑफ द मॉड्यूल। सपोज 30 मॉड्यूल है तो उसका 30% कितना होगा, 9, उसकी वैल्यू 9 mm आपका ये रूट गैप होना चाहिए। तो इसी टाइप से हम अलग अलग चीज़ें देख सकते हैं। एक रनआउट का दिया गया है, इसमें एसेंट्रिसिटी, राउंडनेस, डेविएशन, देखो ये सेंटर से आउट है ये कितना डिग्री पे किया है वो सब देखेंगे। तो यहाँ पे आपको ये अलग अलग डिग्री पे दिया गया है, 0, 30, 60, 90, 120, पूरा सारा डिग्रीज पे इसमें हमको दिया गया है। देखो इसमें भी आप देखेंगे तो सारा अलग अलग डिग्रीज पे उसका दिया गया है। वही सेम चीज़ को यहाँ पे हमको रिप्रेजेंट करके ग्राफिकल में दिया है। देखो राउंडनेस में यहाँ से ऐसे कर्व अलग, ये बराबर है यहाँ पे, फिर अंदर जा रहा है ऐसे डेविएट हो रहा है ना, तो उसका जो डेविएशन को जो मेजर करेगा उसको हम रनआउट बोलते हैं। वो क्या है, ये हमारा रेडियस में डेविएशन आ रहा है तो उसको रेडियल बोलेंगे। ठीक है, सेम चीज़ अगर हमारा एक्सियल में आ रहा है, एक्सेल एक्सिस में आ रहा है, वॉबलिंग है, स्ट्रेटनेस डेविएशन है, उसका जो स्ट्रेट है ये, जैसे आप जिसमें देखेंगे तो ये वाला लाइन आपका स्ट्रेट है, ये वाला लाइन, ये वाला स्ट्रेट लाइन है इसका, और ये इसका साइड लाइन है, मतलब ये यहाँ इतना इधर भी डेविएट किया है उधर भी डेविएट किया है, ये जो दिख रहा है ना इसमें, देखो आप देखेंगे तो ये स्ट्रेट लाइन ये वाले का सीधा लाइन है, उसके बाद में ये दोनों डेविएशन होके लाइन है, तो उसका दोनों का जो मेजरमेंट आएगा वो टोटल रनआउट हो जाएगा। ये एक्सिस में रहेगा तो एक्चुअल रनआउट, और रेडियस में रहेगा तो रेडियल रनआउट कहलाता है। अनइवन सेल टेम्परेचर, कभी कभी क्या होता है उससे क्या है, थर्मल क्रैंक होता है। अब यहाँ पे आप देखेंगे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, ये देखो 400 प्लस जा रहा है, बिग बिग टेम्परेचर वेरिएशन अराउंड सरगम, ये टेम्परेचर यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। मिनिमम टेम्परेचर कितना है, 150 के करीब, और मैक्सिमम 400, यानी कि 250 ऑलमोस्ट उसका डेल्टा टी आ रहा है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि ये टेम्परेचर वेरिएशन की वजह से क्या होता है, यहाँ किलन शेल ऐसे बेंड हो जाएगा, ऊपर की तरफ बेंड हो जाएगा, यहाँ पे कोई लोड नहीं, यहाँ पे ज़्यादा लोड है, यहाँ पे भी ज़्यादा लोड है, किलन इस टाइप से हो जाएगा, यहाँ पे हाई लोड है, यहाँ पे कम लोड हो जाएगा, ये पोजिशन पे, ये पोजिशन पे कम लोड हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है बिकॉज ऑफ सेल टेम्परेचर। सेल टेम्परेचर हमको मेजर करना बहुत ज़रूरी है। सेल टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या है, आपका माइग्रेशन कम हो जाएगा, माइग्रेशन कम होगा तो क्या है आपका, उसकी वजह से आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी। वो क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी, लास्ट का जो वीडियो है उसमें आप देखेंगे तो उसमें हमने आपको बताया गया है कि सेल टेम्परेचर बढ़ने से उसका क्या प्रॉब्लम्स होती है। इसकी वजह से आपका ब्रिक्स का फॉलिंग प्रॉब्लम होता है, ब्रिक्स की जो ओवरऑल लाइफ है वो कम हो जाती है। इसके लिए हम रोलर का शाफ्ट बेंडिंग हम चेक करते हैं, रोलर शाफ्ट बेंडिंग कितना होना चाहिए, प्लस माइनस 1.5 mm, प्लस माइनस 1.5 mm हमारा रोलर शाफ्ट बेंडिंग होना चाहिए। रोलर शाफ्ट बेंडिंग ये हमारा एक इम्पोर्टेंट पैरामीटर है। ये आपको रोलर शाफ्ट का जो बेंडिंग है वो चेक करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, सपोज किरण का रोटेशन ऐसा है, या फिर आपका किरण का रोटेशन ये है, मतलब आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्लेन घूम रहा है। ठीक है, तो मटेरियल क्या होगा, ये साइड में ज़्यादा ऊपर आके फॉल होता है। ठीक है, तो हमको वो साइड में ज़्यादा ऊपर जाके फॉल होगा तो हमको उसके अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट साइड का रोलर में हमको मेजरमेंट करना चाहिए। ये इस रोलर में नहीं मेजरमेंट करना है, क्योंकि ये साइड में, वो साइड में आपका मटेरियल ऐसे रोटेशन कर रहा, तो मटेरियल यहाँ लिफ्ट करके फिर फॉल होगा कूलर में, तो उसकी वजह से क्या है, इस साइड में पार्टिकुलर एक आपका 0.6 से लेकर आपको ऑलमोस्ट 8:30 PM, मतलब उतना डिग्री
उतना एंगल तक आपका मटेरियल फॉल होता है, तो उसकी वजह से क्या पूरा किलन में वहाँ पे लोड रहेगा, तो लोड वो शो करेगा, तो उस केस में वहाँ वो आपको उस साइड में मेजरमेंट नहीं करना है, आपका रीडिंग एक्यूरेट नहीं आएगा, उसके अपोजिट साइड में मेजर करना है। ये हमने देखा था क्लॉकवाइज डायरेक्शन का, सपोज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, तो ये यहाँ इस रोलर के नीचे आपका होना चाहिए, इस रोलर के नीचे हम मेजरमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज कंडीशन में यहाँ से आपका मटेरियल गिरेगा, यानी कि वो 6 से आपका 4 क्लॉक से 6 क्लॉक के बीच में आपका मटेरियल गिरेगा, तो वो एरिया में आपका ज़्यादा लोड रहेगा, तो ये सारी चीज़ें हमको देखनी है। 1.5 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और एक चीज़ गर्द गियर का जो हम बताए थे, ये गर्द गियर तो इसमें आपको कभी भी आपका इंटरव्यू में क्वेश्चन किया जा सकता है आपसे कि गर्द गियर और पिनियन है उसमें से किसका मटेरियल मतलब हाई क्वालिटी का होता है, तो गर्द गियर का मटेरियल हाई क्वालिटी का होता है। क्यों होता है, क्यों होता है कि आपका जो गर्द गियर है उसको रिप्लेस करने में टाइम ज़्यादा कंज्यूम करेगा, और आपका अगर सपोज किसी भी रीजन से कुछ डैमेज हुआ तो आपका पिनियन को रिप्लेस करना इजी होता है, तो उस केस में हमको पिनियन का क्वालिटी एज कम्पेयर टू गर्द गियर का क्वालिटी डाउन रहता है, तो वो चीज़ एक आप ध्यान रखना है। एक छोटा सा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था वो बताया, इसमें हम छोटे छोटे क्वेश्चंस कर रहे हैं, वो भी आपको अच्छे इंटरव्यू पॉइंट से व्यू से भी अच्छे आपके लिए रहेंगे। इसमें कहाँ पे मेजरमेंट करना चाहिए वो भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है, कभी पूछ सकता है आपको कि किस साइड में आपको करना चाहिए, कितना रीडिंग होना चाहिए, तो वो 1.5 mm प्लस माइनस 1.5 mm होना चाहिए। और रोलर शाफ्ट बेंडिंग, द रोलर शाफ्ट बेंडिंग इज मेजर्ड वाया रेडियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द रोलर सरफेस रन आउट, उसका रेडियल डिस्प्लेसमेंट हम चेक करते हैं ये रेडियस में उसका डिस्प्लेसमेंट। द सेंसर इज लोकेटेड एट इन द लाइन ऑफ फोर्स अंडर द रोलर, ये फोर्स है अंडर रोलर, उस यहाँ जो आपको सेंटर से जो फोर्स आ रहा है उसमें क्या होता है कि किसी किसी गियर में सेंटर से 30 डिग्री होता है, किसी गियर में 45 डिग्री होता है, तो वो अलग अलग जगह हैं, अलग अलग मेजरमेंट के लिए अलग अलग वो हैं, बेस्ड ऑन सप्लायर्स वो सब रहेगा, तो उसके हिसाब से आपका ये फोर्स वेरी करेगा, उसके हिसाब से ये आपका रहेगा। इट इज़ मेजर्ड ड्यूरिंग नॉर्मल ऑपरेशन, नो स्टॉप रिक्वायर्ड, ओनली द वेरिएशन आर मेजर्ड ड्यू टू ए क्रैंक, द स्टेटिक लॉस ड्यू टू वेट एंड पॉसिबल अलाइनमेंट एरर आर नॉट मेजर्ड, उसमें अलाइनमेंट में जो एरर है वो भी इसमें मेजर नहीं करते हैं। थर्मल क्रैक, इसमें क्या है कि थर्मल क्रैक में स्ट्रॉन्ग थर्मल क्रैक, हाई वेरिएशन इन रोलर शाफ्ट बेंडिंग, ये आपका 0.3 mm प्लस माइनस 0.3 mm दिखाया गया है, लो शाफ्ट रोलर बेंडिंग 0.8 mm ये दिखाया गया है, इससे हम ये देखो इसको मेजर कर सकते हैं यहाँ पे रख के, ये रोलर शाफ्ट बेंडिंग का एक चार्ट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पे प्लस माइनस 0.3 mm दिखा रहा है, इधर नहीं है, वो कहाँ कहाँ मेजर किया है वो दिखा रहा है इसको। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, वीडियो से रिलेटेड आपको कुछ क्वारी हो तो ज़रूर कमेंट करिए, और मेरा मेल आईडी मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, उस मेल आईडी पे आप ज़रूर मेरे को मेल करिए, कुछ भी क्वेश्चन मेरे से बन पड़ेगा, मेरे पास उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट होगा तो मैं आपको ज़रूर शेयर करूंगा। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।